दोस्तों नए राशन कार्ड कैसे बनना है, दोस्तों नए राशन कार्ड के लिए फॉर्म कैसे भरना है, क्या इसका प्रोसेस कैसे होता है, कैसे जारी होगा राशन कार्ड, नया राशन कार्ड कहाँ से बनेगा, कैसे जमा करना है फॉर्म को, ये प्रोसेस आपको पूरे एक बताने वाला हूँ। दोस्तों जैसे कि दो प्रकार का होता है, सबसे पहला आप ग्रामीण क्षेत्र आते हैं या शहरी क्षेत्र, दोनों प्रकार में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला जैसे ग्राम पंचायत में आते हैं आप, तो ग्राम पंचायत का प्रोसेस अलग होता है। अगर आप जैसे शहरी क्षेत्र में आते हैं तो शहरी क्षेत्र के लिए अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म ऑफलाइन दोनों में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला दोस्तों पंचायत में, अगर आप पंचायत में आते हैं, और जैसे कि दोस्तों बहुत लोगों का राशन कार्ड जैसे नहीं बना है, बनवाना चाहते हैं तो वो बहुत चक्कर काट रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं और किसी को पैसा भी दे रहे हैं, लेकिन राशन कार्ड नहीं बन रहा है, तो मैं ये प्रोसेस बताने वाला हूँ जिसको आपको स्टेप करके आप यहाँ पर राशन कार्ड बनवा सकते हैं। सबसे पहले आपको जैसे कि राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन प्रोसेस करना होगा। ऑफलाइन जैसे कि कोई भी ऑनलाइन सेंटर में जाना है, वहाँ पर राशन कार्ड जारी करने वाला फॉर्म मिल जाएगा, या ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर पीडीएफ जिसको प्रिंट आउट कराकर उस फॉर्म को भरना है। भरने के बाद आपको आधार कार्ड लगाना है, बैंक खाता लगाना है, फोटो लगाना है, इसके बाद आपको सरपंच के पास जाना है, सरपंच के पास जाना है, वैलिडिटी करवाना है सरपंच और सचिव के पास, ठीक है। आपको वहाँ पर साइन सिग्नेचर करके देगा, जिसके बाद आपको पटवारी के पास जाना है, पटवारी आपको वहाँ पर सबको रिकॉर्ड चेक करेगा कि आपका है या नहीं, आपका इनकम क्या है, वो अपना सिग्नेचर करेगा, जिसके बाद आपका जारी होगा राशन कार्ड। आप कहाँ जमा करना है इसको, ठीक है। सबसे पहले सरपंच के पास हो गया, आप पटवारी के पास हो गया, पटवारी के पास आपको जाना है जनपद, अपने जो जनपद आता है पंचायत का, जनपद पंचायत आता है वहां पर, जनपद ब्लॉक में जाना है, वहां पर जमा करना है, सर के पास जाना है, बता रहे हैं आपको क्या डिटेल है। इसके बाद आपका कम से कम 10 से 12 दिन में वहां से राशन कार्ड जारी हो जाएगा। ये दोस्तों जैसे कि राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो ये प्रोसेस कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा प्रोसेस नहीं है, आपको कम खर्चे में 150 रुपए आपको निपट जाएगा, नया राशन कार्ड जारी हो जाएगा। दोस्तों अब दूसरा ये आता है, अगर आप शहरी क्षेत्र में आते हैं तो शहरी क्षेत्र के लिए आपको ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ज्यादा प्रोसेस नहीं है, आपको सेम प्रोसेस ये भी है, उसके बाद ऑनलाइन करा सकते हैं। ऑनलाइन कराने के बाद दोस्तों वहां भी आपको 10 से 12 दिन लगता है, तो ये प्रोसेस है दोस्तों, और कोई ज्यादा प्रोसेस नहीं।